हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। मैं उपेंद्र करते हैं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करके जरूर रखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि मैसेज आपका सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं। RBI ने हवा टाइट कर दी, हवा निकाल दी। सिविल स्कोर, सिविल तो आप सभी जानते होंगे, सिविल रिपोर्ट के बिना आजकल आज के समय में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक लोन नहीं देती। सभी सिविल रिपोर्ट देखते हैं, आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। तो इसके लिए अपने देश में चार कंपनियां जो सिविल रिपोर्ट तैयार करती हैं। नंबर एक पे फिलहाल बिल के नाम से ही चलती है, उसी के नाम से सिविल स्कोर है। और इन कंपनियों ने बहुत लापरवाही की, RBI की नज़र इन पर पड़ गई, इनकी रिपोर्ट कार्ड मंगवा ली उन्होंने चारों कंपनियों की, और इन पर बहुत तगड़ा जुर्माना ठोका है। देखिए, नंबर एक पे ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, जिसको सिविल के नाम से हम लोग जानते हैं, इस पर 26 लाख रुपए का पेनाल्टी लगी है। इसके बाद है इक्विफैक्स, इस पर 24.25 लाख का जुर्माना लगा है, पेनाल्टी लगी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे है दोस्तों एक्सपेरियन, इस पर 24.75 लाख का पेनाल्टी लगी है। इसके बाद है चौथे नंबर पे फिर फाइव मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इस पर भी 25.75 लाख का पेनाल्टी लगा हुआ है दोस्तों। इन चारों कंपनियों में RBI ने बहुत तगड़ी पेनाल्टी ठोकी है, क्योंकि ये सिविल रिपोर्ट अपडेट करने में बहुत लापरवाही कर रहे थे। जबकि RBI ने कहा कि एक महीने या अधिकतम 45 दिन के अंदर आप सारी रिपोर्ट अपडेट कीजिए, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कितना लेट हो रहा है, या क्लोज कर दिया उसने लोन अपना, तो उसकी रिपोर्ट अपडेट हो जानी चाहिए। और कोई इसके अलावा एक शिकायत और आई RBI के पास कि कस्टमर कोई कंप्लेन करता है तो ये कंपनियां, चारों कंपनियां उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी, उसका निराकरण नहीं कर रहे थे समय पर। इन सब चीज़ों को देखते हुए RBI ने इन पर ये पेनाल्टी ठोकी है, इससे साथ सुधर जाए, क्योंकि इस बार पेनाल्टी अच्छे से लगती है तो ये कंपनियां जाग जाएंगी। और सही है दोस्तों, ये रिपोर्ट गलत करती हैं। कभी कभी मैंने खुद देखा है कि हाँ, फिर मेरा लोन कोई क्लोज हो गया और उसमें आने में 8-8 महीने लग जाते हैं अपडेट होने में। तो ये सब इनकी लापरवाहियां हैं, जिसकी वजह से मान लिया कोई लोन लिया, उसने क्लोज कर दिया, अब वो लोन कराने जा रहा तो वो मसला 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद लोन कराने जा रहा तो उसका लोन ही नहीं पास होगा, उसमें सिविल में उसके शो करता रहता। तो इसीलिए RBI ने ये पेनाल्टी ठोकी है कि हाँ, इसको समय पे अपडेट करें, कोई कस्टमर शिकायत कर रहा तो उसकी सुनवाई करें, उसका निराकरण तुरंत जल्दी जल्दी करने के प्रयास करें। RBI ने सख्त आदेश भी दिया और पेनाल्टी भी इनके ऊपर कर दी है। तो दोस्तों, इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी जो भी लोन ना लेते हैं, अप्रोच करते हैं उनके लिए भी, और हमारा सिविल भी अपडेट होता रहेगा, उसमें भी आसानी रहेगी, सही समय पर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की, शेयर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।